नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश वाघोरा और स्वागत करता हूँ आप सभी के इस चैनल ऑनलाइन लर्निंग में, जहाँ पे मैं एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। जैसा कि दोस्तों हमने हमारी पिछली वीडियोस में बहुत सारे जॉब अपडेट्स देखे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको उन जॉब अपडेट में अप्लाई करना है, क्या उनकी क्वालिफिकेशंस रहेगी, कैसे वो आपके करियर को बूस्टअप करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जॉब के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो भी हमें IBM कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आज इस जॉब अपडेट में मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आपको उस जॉब में कैसे अप्लाई करना है, क्या उसकी क्वालिफिकेशंस है, इसी के साथ साथ आपको कौन सी सिटी में काम करना पड़ेगा, आपकी क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, इसमें कैसे अप्लाई करना है, तो पूरा आज वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी मैं IBM करियर्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हूँ। यहीं से हमें मालूम पड़ता है कि कैसे हमें IBM की तरफ से नई नई जॉब पोस्ट अपडेट हुई है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जॉब क्या है, इस जॉब का नाम क्या है। आप जैसे कि स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, इस जॉब का नाम है सॉफ्टवेयर डेवलपर स्टोरेज। जी हाँ दोस्तों, आपने सॉफ्टवेयर डेवलपर का तो नाम सुना ही होगा। जैसे कि अगर आप अभी कोर ब्रांच से हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे उसकी कौन सी टेक्नोलॉजीज को यूज करके हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, उसमें क्या हम टूल्स और टेक्निक्स का यूज करके हमारे सॉफ्टवेयर की प्रोडक्टिविटी और स्पीड को बढ़ाते हैं। तो ये यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपर स्टोरेज के काम के लिए आपको यहाँ पे IBM में पोस्ट मिलेगी, जॉब मिलेगी। इसी के साथ हम इसकी की जॉब से डिटेल से देख लेते हैं कि आपको कौन सी कंट्री में काम करना पड़ेगा, आपको इंडिया में काम करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो जॉब पोस्ट है वो सिर्फ इंडिया के लिए है। स्टेट आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्टेट मल्टीपल है, बहुत सारे स्टेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे इंडिया में। सिटीज भी मल्टीपल सिटीज होगी, अगर स्टेट मल्टीपल है आपको कोई सी भी स्टेट्स या सिटीज मिल सकती है, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, फिर आप देख सकते हैं पुणे। कैटेगरी कौन सी है आपके जॉब की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है सपोर्ट। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए। आपको क्वालिफिकेशंस इसमें मिनिमम चाहिए बैचलर्स डिग्री। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है या आप अभी परसू कर रहे हैं, तो फिर आप अगर इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अभी परस्यूइंग कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशन टाइप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको प्रोफेशनल की पोजीशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रोफेशनल की पोजीशन मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको मैं बता दूं, यहाँ पे भी ये कोई इंटर्नशिप नहीं है या आपको पार्ट टाइम भी नहीं है, ये एक फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट है IBM कंपनी की तरफ से। कंपनी का नाम आप पढ़ सकते हैं, IBM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जैसे कि आपको बता दूं इसमें रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप देख सकते हैं कि आपको टेराफॉर्म, VRA, ये बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। इसी के साथ आपको थोड़ी क्लाउड की टेक्नोलॉजीज के बारे में भी पता होना चाहिए कि आपको अगर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हुआ है, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है, तो उसकी क्या टेक्निक्स है, उसके क्या टूल्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको थोड़ा रूबी ऑन रेल्स, एंगुलर और MongoDB के बारे में पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डेवलप VRO वर्क फ्लो, आपको ये VRO वर्क फ्लो आपको डेवलप करना पड़ेगा। पाइथन का थोड़ा डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्विस नाउ वर्क फ्लो डेवलपमेंट, आपको इस तरह से यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो ये आपके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आपको ये थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ये चीजें क्या होती है। इसी के साथ इसमें आपको काम करते आना चाहिए कि एक्चुअली इनमें रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है और उसकी स्टेज से हमको दे दिया है, तो आप यहाँ पे रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। आपका थोड़ा स्टोरेज बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, पाइथन, जावा, और आपको थोड़ा कोडिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए स्ट्रांग, कि आप आसानी से कोडिंग कर सकें। थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आपके पास, स्ट्रांग नॉलेज होना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, विंडोज एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस, कैसा पूरा उसमें काम होता है। तो ये आपके टेक्निकल और प्रोफेशनल एक्सरसाइज है। और आपकी थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होना चाहिए, जैसे कि अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम दे दी तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपकी टेक्निकल्स और बाकी सारी स्किल्स है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप इस जॉब में अप्लाई करते हैं तो आप अपने करियर को काफी हद तक अच्छा बूस्टअप कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोरोना पीरियड चल रहा है और उसके चलते जॉब मिलना काफी मुश्किल हो गया है। इसीलिए IBM कंपनी ऐसी हमारे लिए जॉब्स प्रोवाइड करती है, जिससे कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से ये जॉब में काम करके, आप IBM के साथ काम करके अपने करियर को बूस्टअप कर सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा,
जो कि आपसे वो पहले पूछेंगे बेसिक्स इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपका नाम, ईमेल क्या है। इसके बाद आपको लेटेस्ट जॉब ईमेल की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि आपको कौन सी जॉब कैटेगरी में इंटरेस्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमारी जो कैटेगरी है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सपोर्ट है। पोजीशन टाइप कौन सी होना चाहिए, प्राइमरी कंट्री आपको कहाँ पे इंटरेस्ट है, आप यहाँ से कंपनी और कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी कंट्री सिलेक्ट करना है। और आप यहाँ पे जैसे ही कनेक्ट और अप्लाई करेंगे फिर वो आपको इस टाइप के मेन इंटरफेस पे लेके आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक IBM का अकाउंट नहीं बनाया है तो आप इस लिंक पे जाके IBM का अकाउंट बना सकते हैं, IBM का पूरा अकाउंट बना सकते हैं। उसमें आपके वो बेसिक से डिटेल पूछेगा। अभी मैंने मेरा अकाउंट बना दिया है इसलिए वो मेरी बेसिक डिटेल नहीं पूछ रहा है, पासवर्ड वासवर्ड और ईमेल आईडी पूछेगा। जैसे ही आप यहाँ पे साइन इन पे करेंगे तो ये साइन इन हो जाएगा और कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा कि यू आर अबाउट टू स्टार्ट योर IBM एप्लीकेशन। यहाँ पे 5 से 10 मिनट लगते हैं तो हम देख लेते हैं कि हमें इसमें कैसे अप्लाई करना है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब मुझे अपना यहाँ पे नाम डालना है तो मैं यहाँ पे नाम डाल के अपनी पूरी ये एजुकेशन वेजुकेशन सब कंप्लीट कर देता हूँ। इसी के साथ आपको यहाँ पे अपना पूरा वो करना है, आप यहाँ पे पूरा अपना पहले नाम डाल दीजिए, फिर पूरा नाम डालने के बाद एड्रेस, आप कौन सी कंट्री रीजन में रहते हैं, स्टेट, सिटी, फोन नंबर, ईमेल, एजुकेशन हिस्ट्री आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, आपको वर्क एक्सपीरियंस है और फिर आपकी जो स्किल्स है वो आप यहाँ से ऐड कर। तो जैसे ही दोस्तों आप वो इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं जिसमें आपका एड्रेस और बेसिक डिटेल्स मांगी जाती है, फिर कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको यहाँ पे आपकी पोस्ट के बारे में पता चल जाएगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपर स्टोरेज है, फिर आपको आपने ये कहाँ से सुनी है अपॉर्चुनिटी के बारे में, इवेंट, सोशल, IBM करियर, जॉब बोर्ड, अदर्स में आप डाल सकते हैं। जैसे अगर आपने यूट्यूब से देखा है तो आप अदर्स से कर सकते हैं। फिर आप कौन सी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया के लिए। फिर आपको यहाँ पे एग्री करना है कि जो भी इनकी टर्म्स और पॉलिसीज है उनको आप एग्री करते हैं। फिर आपको यहाँ पे जेंडर करके आर यू पर्सन विद अ डिसेबिलिटी नो करके फिर आपको यहाँ पे अपना रेज्यूमे अपलोड करना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप अपना यहाँ पे रेज्यूमे अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे आपको रेज्यूमे अपलोड करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और फिर आपने पूरी यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन डाल दी है तो आप सेंड माई एप्लीकेशन कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे सेंड माई एप्लीकेशन करेंगे तो एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन का मेल आ जाएगा IBM की तरफ से कि आपने अप्लाई कर दिया है इस पोजीशन के लिए हम, और वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने इंटरेस्ट दिखाया IBM में। और यहाँ पे जो भी है वो आपको मेल के थ्रू कॉन्टेक्ट कर लेंगे IBM की तरफ से। IBM की तरफ से आपको मेल आ जाएगा जिसमें आपको पूरी डिटेल्स बता देंगे कि किस हिसाब से आपका यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है, क्या उनकी प्रोसेस है, तो दोस्तों आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली वीडियोस में भी कुछ इस तरह के जॉब अपडेट्स, कोर्सेज, इंटर्नशिप आप सभी के साथ शेयर करता रहूंगा। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।